कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है आपके? ताजमहल? तजम्मल। तजम्मल अच्छा मैं कहता ताजमहल के जी। तो जब तजम्मल भाई क्या करते हैं आप? सिंगिंग करते हैं? जी मैं सिंगिंग तो बेसिकली करता, वैसे फोटोग्राफी करता हूं। ठीक है जी। तो आज सिंगिंग सुनाने आए हैं हमें? जी जी सिंगिंग माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे आपने आरजे भी लिखा हुआ है ना? जी जी रॉकी सेंटर। सीन पूरा यो वाला है जी। तो क्या सुना रहे हो? मैं सलमान अली का आपको सजदा सुनाने लगा। ठीक है जी। रावलपिंडी से ताल्लुक है आपके साथ? जी जी। बिस्मिल्लाह करें स्टार्ट। आप बताइए क्या शुरू करें? रो मेरा सबसे जरूरी यही चीज है कि गाना फील और उस गाने को रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, उसको किस तरह से बयान करना है। जी जी। तो इस सारी चीजों को जब मिक्स करते हैं ना फिर एक आर्टिस्ट बनता है। तो जैसे आपने खुद ही मुझे बोला कि जी मैंने कभी गाना नहीं गाया लेकिन आज मैं गाना सुनाऊंगा, तो अभी मेरे ख्याल में आपको थोड़ी सी नहीं काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब अगर आपने इसी चीज को अपनाना है, इसी चीज को फील्ड में आना है, तो फिर एक अच्छे उस्ताद की जरूरत है जो आपको सिखाए कि आरजे यहाँ से यहाँ तक जाना है, इस सिर को यहाँ से देखना है, इसको यहाँ से देखना है, सारी चीजों को कंट्रोल करके, है ना जी। तो फिर एक अच्छा सिंगर आपने बनना है। जानिबन चांस की बात नहीं है, मतलब मैं एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक है मेरा, अल्लाह माफ करे मुझे कानों को हाथ लगा के बोल रहा हूँ,
तो मैं तो एक मतलब हम तो बचपन से जो सुर सुनते आ रहे हैं, हम तो एक वो कहते हैं ना कि एक सुर से पता लगता है कि यार आगे जाके कहाँ तक जाएंगे। आप दोबारा भी सुनाएंगे ना तो ऐसे ही मतलब होगा। तो अगर आप मेरी बात को दिल से एक्सेप्ट करें कि नहीं यार ये मेरा बड़ा भाई है तो मुझे कुछ कह रहा है, तो शायद अपनी एक्सपीरियंस के साथ ही कह रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप करें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ मतलब है ना, रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन तुम्हारे, हमसे गम छिन गए जब से चीजों में भी जरूरत है। तो गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट सेशन हम दोबारा कर रहे हैं इससे ज्यादा पावरफुल और मजेदार टीम के नाल। ये भी अच्छी टीम है मेरी, लेकिन आपने दोबारा आना है। गुड लक, थैंक यू।